हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी कोर्स। आज का हमारा ये वीडियो प्रैक्टिस सेट पर होगा, जिसमें 200 बेस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। और यदि आपका आने वाला अभी कोई भी एग्ज़ाम है जो दिसंबर 2018 या 2019 में होगा, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको इस वीडियो में से ज़रूर कुछ क्वेश्चन देखने को अपने एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। हमारा ये वीडियो बायलैंग्वल होगा, जो कि दोनों हिंदी और इंग्लिश कैंडिडेट्स के द्वारा समझा जा सकता है। साथ ही मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आने पर आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए हमारा ये चैनल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट का जो पैटर्न रहने वाला है, उसमें फर्स्ट पार्ट में आपको 50 क्वेश्चन स्टैटिक जीके पर, जिसमें कल्चर, इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी, बोथ इंडिया एंड वर्ल्ड शामिल होगी। सेकंड पार्ट मिसलिनियस पर, जिसमें करंट अफेयर के 20 क्वेश्चंस और स्कीम्स, अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स और स्पोर्ट्स जीके और पॉलिटी पर 30 क्वेश्चंस होंगे। थर्ड पार्ट साइंस पर होगा, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स और स्पेस साइंस को मिलाकर 50 क्वेश्चन होंगे। और फोर्थ पार्ट में आपको इंग्लिश के 50 क्वेश्चन मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन इन 1896 ऑन ह्यूमैटेरियन रिलीफ एंड सोशल वर्क? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन हैं, जो 1896 में मानव आधार पर राहत तथा सामाजिक कार्य के लिए शुरू किया गया था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। इसमें ईयर को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। काफ़ी बुक्स में और इंटरनेट पर इसे 1896 दिया गया है, और काफ़ी साइट्स पर ये 1897 देखने को मिलता है, तो ये आप खुद चेक कर लीजिएगा। साथ ही इस क्वेश्चन में जो और ऑप्शन है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। राजा राम मोहन राय को जाना जाता है ब्रह्मो समाज के संस्थापक के तौर पर। साथ ही दयानंद सरस्वती को आर्य समाज के संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। और जो केशव चंद्र सेन है, ये ब्रह्म समाज के भी मेम्बर रह चुके हैं, और इन्हें वेद समाज का भी संस्थापक माना जाता है। वेद समाज के हमारे पास दो संस्थापक हैं, एक केशव चंद्र सेन और दूसरा के श्रद्धालु नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी? निम्न में से कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से लोकप्रिय है? ऑप्शन ए हसरत मोहनी, ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफार खान, ऑप्शन डी इकबाल खान। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी खान अब्दुल गफार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन मास मूवमेंट बिगेंस विद द फेमस डांडी मार्च 1930 ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के प्रसिद्ध डांडी मार्च 1930 के साथ कौन से भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए खिलाफत मूवमेंट यानी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये यहाँ हिंदी में थोड़ा गलत टाइप हुआ है, ऑप्शन डी क्विक इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन। जो खिलाफत मूवमेंट यानी खिलाफत आंदोलन है, इसकी शुरुआत 1919 में हुई थी और ये 1924 तक चला था। और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन है, ये 1920 में हुआ था। और जो सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये डांडी मार्च के साथ 1930 में हुआ था। और जो क्विक इंडिया मूवमेंट है, वो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रिसाइड्स ओवर द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वेयर द रिजोल्यूशंस ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी वर पास्ड? निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिसमें मौलिक अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन आर ऑप्शन ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये कराची सेशन हुआ था, वो 1931 में हुआ था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑन जुलाई 6, 1905? 6 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा करने वाले पहले अखबार का नाम क्या है? ऑप्शन ए स्वराज, ऑप्शन बी संजीवनी, ऑप्शन सी कलांतर, ऑप्शन डी आनंद बाजार पत्रिका। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी संजीवनी। जो बंगाल विभाजन हुआ था, वो 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हुआ था।
और जो इसकी जो रद्द करने की जो घोषणा हुई थी वो 1911 में हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुई थी, और उस टाइम जो इंग्लैंड के किंग थे वो थे जॉर्ज पंचम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रवाद का पिता कहलाता है? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी दादाभाई नौरोजी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। जो फादर ऑफ नेशनलिज्म है वो है हर्बर्ट मैक्यूले, और जो फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है वो है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी अब्दुल गफार खां, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई थिंक सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज पब्लिक बाथ एंड ग्रेनरीज फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सकेवेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निम्न में से किस जगह पर सार्वजनिक स्नान गृह और अन्नगाह पाए गए हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी रंगपुर, सी कालीबंगन, डी रोपड़। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन कैन बी एसोसिएटेड विद। निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किससे है? ऑप्शन ए ब्रोंज एज यानी कांस्य युग, ऑप्शन बी स्टोन एज यानी पाषाण युग, ऑप्शन सी आयरन एज यानी लोह युग, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए ब्रोंज एज यानी कांस्य युग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर कंटेन गायत्री मंत्र। निम्न में से कौन से वैदिक साहित्य में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेदा, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए ऋग्वेद। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र द्वारा की गई थी, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। फ्रेंड्स, यदि आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो वहाँ भी आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको डेली यूज़फुल क्वेश्चन मिलते रहेंगे। हमारे पेज का नाम है स्टडी एनसीईआरटी एंड करंट अफेयर और नॉलेज इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर एंड वेन वॉज द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। दूसरी बौद्ध संगति कब और कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र 255 बैकवर्ड सेंचुरी, ऑप्शन बी वैशाली 383 बैकवर्ड सेंचुरी, ऑप्शन सी कंडलवन 4th सेंचुरी, ऑप्शन डी राजगृह 383 बैकवर्ड सेंचुरी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी वैशाली 383 बैकवर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द राइटर ऑफ द बोध चरित्र। बोध चरित्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए बुद्ध घोष, ऑप्शन बी अश्वघोष, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी पाणिनि। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन विच हिस्टोरियन इज फेमस फॉर हिज रिसर्च ऑन एंशंट इंडियन हिस्ट्री। कौन सा इतिहासकार प्राचीन भारतीय इतिहास पर अपने शोध के लिए प्रसिद्ध है? इन सभी ऑप्शन में से आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए सतीश चंद्र, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र, ऑप्शन सी रामशरण शर्मा, ऑप्शन डी अमलेश त्रिपाठी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी रामशरण शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द ऑथर ऑफ द बृहत संहिता। बृहत संहिता के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी वराहमिहिर, ऑप्शन सी अमर सिन्हा, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी वराहमिहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द नवाब ऑफ द बंगाल एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर 1764। बक्सर 1764 की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन ए मीर कासिम, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी निजामुद्दौला, ऑप्शन डी शुजाउद्दौला। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए मीर कासिम। जो बक्सर का युद्ध था वो 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था, जिसमें एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थे जिसके जो लीड की थी वो की थी हेक्टर मुंडो ने, और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब अवध का नवाब और मुगल शाह आलम द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिनाउंस्ड द कांग्रेस एज माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी।
किसने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में निंदा किया? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी थियोर्ड बैक। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब द क्विक इंडिया मूवमेंट 1942 एज बाय फार द मोस्ट सीरियस रिबेलियन सिंस 1857। किसने 1897 के बाद सबसे गंभीर विद्रोह के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन किया है? ऑप्शन ए वायसराय लॉर्ड लिथिंगो, ऑप्शन बी फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी क्लेमेंट एटली। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए वायसराय लॉर्ड लिंगलिथिंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कम फर्स्ट टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पस? व्यापार के उद्देश्य से इनमें से कौन सबसे पहले भारत आया था? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी पुर्तगालीज, ऑप्शन डी ब्रिटिश। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी पुर्तगालीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर फर्स्ट सेंसस वॉज कंडक्टेड इन इंडिया? भारत में पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए 1884, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1881, ऑप्शन डी 1856। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी 1872। यदि क्वेश्चन ऐसे आता है कि पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी, तो यह 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी। और यदि क्वेश्चन ऐसे आता है कि पहली नियमित दशकीय जनगणना कब शुरू की गई थी, तो यह 1881 में लॉर्ड रिपिन के शासनकाल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? निम्नलिखित में से किसने स्थानीय प्रेस अधिनियम की स्थापना की? ऑप्शन ए सर एशले एडन, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर जॉन अबुथनॉट, ऑप्शन सी लॉर्ड लिंटन, ऑप्शन डी लॉर्ड स्टेनले। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी लॉर्ड लिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियाज फर्स्ट मैरियन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन? भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन ए गुल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन बी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन सी अरेबियन सी, अरब सागर, ऑप्शन डी गुल्फ ऑफ खम्बट यानी खबत की खाड़ी में। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए गुल्फ ऑफ मन्नार। ये गुजरात के कच्छ के रण में नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच रिवर इज नोन एज द गंगा ऑफ द साउथ? कौन सी नदी दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी महानदी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कावेरी। यदि क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाए कि दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो आंसर होगा कावेरी। और यदि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, या फिर वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तब आंसर होगा गोदावरी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन हर बार आता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज सिंगपन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? सिंगचन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मणिपुर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी मणिपुर। बात आई है नागालैंड की, तो नागालैंड की जो कैपिटल है वो है कोहिमा। नागालैंड के सीएम है नेप्पी राव। नागालैंड के गवर्नर हैं पद्मानंब आचार्य। और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन आर ऑप्शन ए बाकड़ा डैम, ऑप्शन बी हीराकुंड डैम, ऑप्शन सी टिहरी डैम, ऑप्शन डी गोविंद सागर डैम। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम ये ओडिशा में महानदी रिवर पर बना हुआ है और ये 25.8 किलोमीटर लंबा है। और जो ऑप्शन सी है टिहरी डैम, ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम है और ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया के कौन से पठार को संसार की छत के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आर ऑप्शन ए डेक्कन प्लेट्यू, ऑप्शन बी पामीर प्लेट्यू, ऑप्शन सी कोरकट प्लेट्यू, ऑप्शन डी कटंग प्लेट्यू। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी पामीर का पठार और पामीर प्लेट्यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए द हिमालयाज, ऑप्शन बी द एंडीज, सी द रॉकीज, डी एटलस माउंटेंस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए द हिमालयाज, जिसमें माउंट एवरेज जैसी ऊंची चोटी आती है जिसकी हाइट है 8848 मीटर। और अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए, जैसे पूछा जाए द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, तब आंसर आएगा द एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम एशिया, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि उत्तर अमेरिका को एशिया से अलग करती है? ऑप्शन आर ऑप्शन ए बेरिंग स्टेट यानी बेरिंग जल संधि, ऑप्शन बी कैबॉट स्टेट यानी कैबॉट जल संधि, ऑप्शन सी स्टेट ऑफ कांसो यानी कांसो की जल संधि, ऑप्शन डी कैबू स्टेट यानी केबू जल संधि। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए बेरिंग स्टेट यानी बेरिंग जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए ग्रेट बियर लेक, ऑप्शन बी ग्रेट स्लेव लेक, ऑप्शन सी लेक सुपीरियर, ऑप्शन डी ईरी लेक। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी लेक सुपीरियर और सुपीरियर झील। ये जो लेक वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट होता है, तो आज मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, जैसे अगर कोई फ्रेश वाटर लेक का अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो एक तरफ आपके पास एक पानी की भरी हुई बाल्टी है, दूसरी तरफ एक पानी का भरा हुआ गिलास है। अगर आप दो चम्मच पानी की भरी हुई बाल्टी में डालते हैं और दो चम्मच एक भरे हुए गिलास में डालते हैं, तो ज़्यादा मीठा पानी गिलास का होगा, ना कि बाल्टी का। लेकिन अगर ऐसा है कि सबसे बड़ी जाना जो फ्रेश वाटर लेक आएगी, वो बाल्टी वाले पानी ही सबसे ज़्यादा होगा मात्रा में, लेकिन जो पानी सबसे ज़्यादा मीठा होगा वो ग्लास का होगा। इसी तरह से ये फ्रेश वाटर लेक के क्वेश्चन बनते हैं। आई होप अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स द साउथ अमेरिका टू नॉर्थ अमेरिका, निम्न में से कौन सा दक्षिण अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से जोड़ता है? ऑप्शन ए अटलांटिक ओशन, ऑप्शन बी इस्थमस ऑफ पनामा, ऑप्शन सी आइसलैंड ऑफ टेरा डेल फ्यूगो, ऑप्शन डी इक्वेटर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी इस्थमस ऑफ पनामा यानी पनामा बुडमरुत्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस ओरिजिनेटेड इन झारखंड, झारखंड में निम्न में से किस लोक नृत्य का जन्म हुआ है? ऑप्शन ए कोरिया, ऑप्शन बी पाइका, ऑप्शन सी धूमल, ऑप्शन डी भंगरा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी पाइका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली 11th वर्ल्ड हिंदी समिट वॉज हेल्ड इन, हाल ही में 11वां विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन किस जगह पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी भोपाल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए मॉरिशस। जो हिंदी दिवस होता है वो हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, और जो विश्व हिंदी दिवस होता है वो हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, और जो फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी समिट हुई थी वो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुई थी, और जो थर्ड जो वर्ल्ड हिंदी समिट हुई थी वो न्यू दिल्ली में 1983 में हुई थी, और जो 10th वर्ल्ड हिंदी समिट हुई थी वो 2015 में भोपाल में हुई थी, और जो अब आने वाली 2021 की वर्ल्ड हिंदी समिट होगी वो देवास में होगी, जो मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है और इंडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर एरिया, किस राज्य में वन्य क्षेत्रफल का सबसे अधिक प्रतिशत है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए मिजोरम। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान देने वाला है। यदि अगर स्टेट पूछा जाए और परसेंटेज में पूछा जाए तो आंसर होगा मिजोरम, और अगर ओवरऑल परसेंटेज में पूछा जाए तो आंसर होगा लक्षद्वीप, जहाँ 90.33% एरिया जो है उसका फॉरेस्ट से कवर है, और जो मिज़ोरम का है वो 86.27% फॉरेस्ट एरिया है। लेकिन मिज़ोरम एक स्टेट है और लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है। और फ्रेंड्स अगर ओवरऑल एरिया में पूछा जाए तो इसका आंसर आएगा मध्य प्रदेश, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, जो लगभग 77,414 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच इंडियन स्टेट हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इज रिपोर्टेड एवरी ईयर,
किस भारतीय राज्य में प्रतिवर्ष सर्वोच्च वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है? ऑप्शन ए नामची सिक्किम, ऑप्शन बी चूरू राजस्थान, ऑप्शन सी मौसिनराम मेघालय, ऑप्शन डी मंडी हिमाचल प्रदेश। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी मौसिनराम मेघालय, जहाँ प्रतिवर्ष 11,873 मिलीमीटर की वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच रिवर बैंक इज अयोध्या सिचुएटेड, किस नदी के किनारे अयोध्या स्थित है? ऑप्शन ए गंगेज, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी सरयू। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी सरयू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी हेमिस नेशनल पार्क, ऑप्शन सी काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन डी साउथ बटन नेशनल पार्क। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, इट इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज इस्टेब्लिश्ड इन 1936 एंड ऑल्सो नोन एज द हैली नेशनल पार्क इन 1936। द रिजर्व वॉज लेटर नेम्ड एज द रामगंगा नेशनल पार्क इज इन 1955 एंड अगेन रीनेम्ड एज कॉर्बेट नेशनल पार्क इन 1956। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज फर्स्ट टू कम अंडर द टाइगर प्रोजेक्ट इनिशिएटिव इन 1973। उत्तराखंड, कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज देहरादून, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर बेबी रानी मयूरा एंड इस्टेब्लिश्ड इन 9 नवंबर 2000 एंड बिकम द 27th स्टेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइबल ग्रुप ऑफ मेघालय, निम्न में से कौन सा मेघालय का एक आदिवासी समूह है? ऑप्शन ए जयंतिया, ऑप्शन बी मुंडाज, ऑप्शन सी अभोर्स, ऑप्शन डी मीना। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए जयंतिया। अगर आप इन सभी टॉपिक्स पे नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल बोटैनिकल गार्डन इज लोकेटेड एट, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? यह आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कहाँ नेशनल बोटैनिकल गार्डन स्थित है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी पुणे। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइलेंट वैली ऑफ केरला, केरल की शांत घाटी प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए इट इज़ अ गुड पिकनिक स्पॉट, बी कंटेन कॉस्टली टिम्बर ट्रीज, सी इट इज़ ओनली एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया, डी कंटेन रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी कंटेन रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज काजीरंगा नेशनल पार्क सिचुएटेड, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी मेघालय। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए असम। इन नेशनल पार्क को याद करने की मेरे पास ट्रिक्स भी हैं और मेरे पास इनकी पूरी लिस्ट भी है, आप मुझसे चाहें तो इंस्टा और व्हाट्सएप पर जुड़कर मुझसे हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोमटेक मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच स्टेट, रोमटेक मठ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी सिक्किम। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, सिक्किम के जो सीएम हैं वो हैं पवन कुमार चैम्बलिंग, जिनके नाम इस समय रिकॉर्ड है सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर बने रहने का, इन्होंने ज्योति बासु के रिकॉर्ड को तोड़ा है, और जो सिक्किम के गवर्नर हैं वो हैं गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज स्वामीनारायण टेम्पल अक्षरधाम लोकेटेड, स्वामीनारायण मंदिर अक्षरधाम स्थित है? ऑप्शन ए मथुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गांधीनगर गुजरात, ऑप्शन सी पुरी ओडिशा, ऑप्शन डी द्वारका गुजरात। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी गांधीनगर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट फॉल्क पेंटिंग मधुबनी पॉपुलर, किस राज्य की चित्रकला मधुबनी लोकप्रिय है? ऑप्शन ए असम, बी बिहार, सी वेस्ट बंगाल, डी ओडिशा।
राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी बिहार। बिहार के जो इस समय गवर्नर हैं वो हैं लालजी टंडन, और जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो हैं नीतीश कुमार, और बिहार की राजधानी है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पैरेलल लाइन डिवाइड्स यूएसए एंड कनाडा। कौन सी समांतर रेखा यूएसए और कनाडा को विभाजित करती है? ऑप्शन ए 17th पैरेलल लाइन, बी 24th पैरेलल लाइन, सी 38th पैरेलल लाइन, डी 49th पैरेलल लाइन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी 49th पैरेलल लाइन। और जो 38th पैरेलल लाइन है वो है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच, और 24th पैरेलल लाइन भारत के गुजरात और पाकिस्तान के बीच है, जिसे भारत नहीं मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ म्यांमार। म्यांमार की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए नेपिडाओ, ऑप्शन बी थिम्पू, ऑप्शन सी हनोई, ऑप्शन डी कुआलालंपुर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए नेपिडाओ। और जो म्यांमार की मुद्रा है वो है कयात। थिम्पू राजधानी है भूटान की, हनोई राजधानी है वियतनाम की, और कुआलालंपुर राजधानी है मलेशिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव भारत के निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए नागालैंड, बी मिजोरम, सी असम, डी मेघालय। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ भूटान। भूटान की संसद का क्या नाम है? ऑप्शन ए डाइट, ऑप्शन बी सांसद, ऑप्शन सी ड्यूमा, ऑप्शन डी तसौगड़ू। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी तसौगड़ू। जो डाइट है, डाइट संसद का नाम है जापान की, और जो भारत की जो पार्लियामेंट को कहते हैं वो कहते हैं संसद, और जो ड्यूमा ड्यूमा संसद का नाम है रशिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद विच कंट्री इंडिया शेयर इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर। कौन से देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन आर ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी बांग्लादेश। इंडिया जो अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है उसकी कुल लंबाई 15106.7 किलोमीटर है, और जिसमें सबसे लंबी जो बाउंड्री शेयर करता है इंडिया वो बांग्लादेश के साथ करता है, जिसकी टोटल लेंथ है 4096.7 किलोमीटर। इसकी जो बाउंड्री है वो 5 स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए वेलिंगटन, ऑप्शन बी कैनबरा, ऑप्शन सी जेरूसलम, ऑप्शन डी तेहरान। द कैपिटल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इज ऑप्शन बी कैनबरा। और जो ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम है वो है पार्लियामेंट, और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं स्कॉट मॉरिसन। और न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनकिंडा एंडरसन। और जो इसराइल की कैपिटल है वो है जेरूसलम, और इसराइल की राजधानी है न्यू शकल, और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और जो इसराइल की पार्लियामेंट का नाम है वो है नीसेट। और जो तेहरान है वो है कैपिटल है ईरान की, और ईरान की जो करेंसी है वो है रियाल, और प्रेसिडेंट का नाम है हसन रूहानी, और पार्लियामेंट का नेम है मजलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मिल्क दूध उत्पादन, ऑप्शन बी फर्टिलाइजर प्रोडक्शन खाद उत्पादन, ऑप्शन सी फ्रूट प्रोडक्शन फल उत्पादन, ऑप्शन डी पेट्रोलियम प्रोडक्शन पेट्रोलियम उत्पादक। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी फ्रूट प्रोडक्शन यानी फल उत्पादन। जो मिल्क प्रोडक्शन का संबंध है वो है श्वेत क्रांति से यानी वाइट रिवॉल्यूशन से, और जो फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन का जो संबंध है वो है ग्रेवी रिवॉल्यूशन, और जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन का जो संबंध है वो है ब्रैक रिवॉल्यूशन से। चलते हैं पार्ट बी पर। इसमें थोड़ा मिक्स जीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें करंट अफेयर और पॉलिटी के मेन क्वेश्चन रहेंगे। हु ऑफ द फॉलोइंग रिसीव द खेल रत्न 2018।
निम्न में से किसे खेल रत्न 2018 मिला है? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा एंड हिमा दास, बी विराट कोहली एंड मीराबाई चानू, सी राही सरनोबत एंड विनेश फोगट, डी सतीश कुमार और स्मृति मंधाना। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी विराट कोहली एंड मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर विल बी सेटअप इन विच सिटी? भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी पटना, सी कोची, डी ऋषिकेश। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी पटना, जो बिहार में है और बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द रूल ब्रेकर्स? द रूल ब्रेकर्स किताब के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए अमिताभ घोष, बी विक्रम सेत, सी प्रीति शिनॉय, डी चेतन भगत। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी प्रीति शिनॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट वॉज अवार्डेड एज द बेस्ट स्टेट अंडर द स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड 2018? किस राज्य को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आर ए तेलंगाना, बी हरियाणा, सी कर्नाटका, डी गुजरात। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया NALSA? भारत के राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए जस्टिस रंजन गोगोई, ऑप्शन बी जस्टिस इंदु मल्होत्रा, सी जस्टिस सुरेश कुमार, डी जस्टिस मदन भीम राव। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी जस्टिस मदन भीम राव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर फीमेल मेजर जनरल इन 47 ईयर हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश के 47 साल के इतिहास में पहली बार महिला प्रमुख जनरल नियुक्त की गई हैं। ऑप्शन ए नरसिंह जहां, ऑप्शन बी सलीना हुसैन, सी मोनिका अली, डी सुसैन गीति। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी सुसैन गीति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिसिस्ट हैज़ वॉन द 2018 नोबल प्राइज इन फिजिक्स? निम्न भौतिक विज्ञानों में से किसने भौतिकी में 2018 में नोबल पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए लीजा रैंडल, बी डोना स्ट्रिकलैंड, सी गैलीलियो गोंजालेज, डी नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी डोना स्ट्रिकलैंड। इस बार नोबल पुरस्कार फिजिक्स में दो व्यक्तियों को मिला है, एक थे गेरार्ड मोरो और दूसरी थी डोना स्ट्रिकलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ मैक्सिको? मैक्सिको के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए एंड्रे मैनुअल लिपोजी अब्राडो, ऑप्शन बी आरिफ अलवी, सी इवान डुकी मार्क्यूजी, डी अब्दुल फतेह एल सी सी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए एंड्रे मैनुअल लिपोजी अब्राडो। और जो आरिफ अलवी हैं वो हैं प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इवान डुकी मार्क्यू ये जो प्रेजिडेंट बने हैं अभी कोलम्बिया के, और अब्दुल फतेह एल सी सी ये हैं प्रेसिडेंट इजिप्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ वीवीएस लक्ष्मण? वीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा का नाम क्या है? ऑप्शन ए 281 एंड बियॉन्ड, बी नो स्पिन, सी प्लेइंग इट माय वे, डी द रेस ऑफ माय लाइफ। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 281 एंड बियॉन्ड। और जो नो स्पिन है वो है ऑटोग्राफी ऑफ शेन वॉन, और प्लेइंग इट माई वे ऑटोग्राफी है सचिन तेंदुलकर की, और द रेस ऑफ माई लाइफ का संबंध है मिल्खा सिंह से। एक और किताब है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ का संबंध है युवराज सिंह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2018? विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक में 2018 में भारत का स्थान क्या रहा? ऑप्शन ए 114th, बी 120th, सी 115th, डी 117th। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी 115th। और फ्रेंड्स जो हमारा ये नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी पर होगा, जो इम्पोर्टेंस जो इंडेक्स है उसमें इंडिया की क्या रैंक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज सिचुएटेड एट? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस जगह पर स्थित है? ऑप्शन ए काठमांडू नेपाल, बी मनीला फिलीपींस, सी वॉशिंगटन DC, डी जकार्ता इंडोनेशिया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी मनीला फिलीपींस। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 19 दिसंबर 1996 को। इसकी कुल 67 कंट्रीज मेंबर हैं और जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो हैं जापान के ताकेहिको नकाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सार्क वॉज फाउंडेड एट विच प्लेस? सार्क किस जगह पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए काठमांडू नेपाल, बी ढाका बांग्लादेश, सी न्यू दिल्ली इंडिया, डी इस्लामाबाद पाकिस्तान। ये थोड़ा सा उलझा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आप में से मैक्सिमम इसे काठमांडू नेपाल पर टिक करने वाले हैं तो ये गलत होगा। इसका राइट आंसर होगा ढाका बांग्लादेश। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू नेपाल में, लेकिन जो इसकी फॉर्मेशन हुई थी वो हुई थी ढाका बांग्लादेश में 8 दिसंबर 1985 को। इसके जो सिक्योरिटी जनरल हैं वो हैं अमजद बी हुसैन और इसके जो मेंबर्स हैं वो 8 कंट्री हैं जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSIT हैज़ बीन सेटअप? किस राज्य में भारत में पहली बार राष्ट्रीय कौशल परीक्षण संस्थान की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए ओडिशा, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी मणिपुर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए ओडिशा। ओडिशा के जो CM है वो है नवीन पटनायक और ओडिशा की स्थापना हुई थी 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्रिज बिल्ड ऑन रिवर ब्रह्मपुत्रा हैज़ बीन बिकम द इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज? ब्रह्मपुत्रा नदी पर बनाया गया कौन सा पुल भारत का सबसे लंबा रेलवे एवं रोड पुल है? क्वेश्चन हमेशा ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, इसमें रेल कम रोड ब्रिज के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए बोगी बिल ब्रिज, बी नारायण ब्रिज, सी सरायघाट ब्रिज, डी कोलिया भूमोरा ब्रिज। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए भोगी बिल ब्रिज। भोगी बिल ब्रिज इसकी जो लेंथ है वो है 4.94 किलोमीटर। ये असम में 2018 में बनाया गया है। ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है और ये डिब्रूगढ़ को धेमजी से कनेक्ट करता है और ये ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर बना हुआ है। ये असम के ऊपरी भाग को अरुणाचल प्रदेश से भी जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लोकेटेड एट विच प्लेस? किस स्थान पर एकता की प्रतिमा स्थित है? ऑप्शन ए राजपिपला, बी भवनगर, सी भुज, डी गांधीनगर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए राजपिपला। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है जिसका मुख नर्मदा डैम के तरफ है और ये राजपिपला गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना टू प्रमोट जीरो बजट फार्मिंग सिस्टम? किस राज्य सरकार ने शून्य बजट की खेती प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए गुजरात, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो राज्य के रूप में हिमाचल उभरा था वो 25 जनवरी 1971 को। डी हिमाचल प्रदेश तक सही है। हु इज द CEO ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के CEO कौन है? CEO की फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ऑप्शन आर ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी राजीव कुमार, सी अमिताभ कांत, डी दिनेश अरोरा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी अमिताभ कांत। नीति आयोग के चेयरमैन हैं वो हैं हमारे देश के PM नरेंद्र मोदी और जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं वो हैं राजीव कुमार और दिनेश अरोरा हैं नीति आयोग के डायरेक्टर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस बोर्ड एंड एजेंसी के ऊपर जिसमें नीति आयोग, SEBI, FSSAI, BCCI, सेल, IRDI, DRDO जैसी संस्था के ऊपर इम्पॉर्टेंट जानकारी दी गई है जिससे एग्ज़ाम में हर बार 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। आपको वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन
वायुसेना दिवस भारत में हर साल किस दिन मनाते हैं? ऑप्शन ए 8 अक्टूबर, बी 15 जनवरी, सी 4 दिसंबर, डी नन ऑफ दिस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 8 अक्टूबर। वायुसेना दिवस हर साल होता है 8 अक्टूबर को, और जो इंडियन आर्मी डे होता है वो होता है 15 जनवरी को, और जो इंडियन नेवी डे होता है वो होता है 4 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन चार्ज एज चेयरमैन ऑफ स्टेट ओन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल? किसने भारत के स्वामित्व वाले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में प्रभार लिया है? ऑप्शन ए पी के सिंह, बी अनिल कुमार चौधरी, सी अतुल सोबाती, डी बी सी त्रिपाठी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी अनिल कुमार चौधरी। सेल की स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके जो चेयरमैन बने हैं अभी वो हैं अनिल कुमार चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनाग्रेट द फर्स्ट एवर एयरपोर्ट ऑफ विच स्टेट ऑन 24 सितंबर 2018? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2018 को किस राज्य के पहले हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी सिक्किम। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी सिक्किम। सिक्किम्स फर्स्ट एवर एयरपोर्ट वॉज इनाग्रेटेड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 24 सितंबर 2018 एट पैक्योंग। इट इज़ द 100 एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, गवर्नर है गंगा प्रसाद, फॉर्मेशन डे है 16 मई 1975, और इसके जो सीएम हैं वो हैं पवन कुमार चामलिंग, जिनके नाम रिकॉर्ड है लॉन्गेस्ट टाइम सर्विंग एज सीएम ऑफ इंडिया सिंस 1994। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिल्ली वॉज डेजिगेटेड एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी? किस माध्यम से भारत के संविधान में निम्नलिखित संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में नामांकित किया गया था? ऑप्शन ए 63rd अमेंडमेंट एक्ट, बी 69th, सी 74th, डी 76th। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी 69th अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन? भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। ऑप्शन ए लोकसभा ओनली, बी राज्यसभा ओनली, सी आइदर द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, डी जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी राज्यसभा ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट कंसर्न्ड विद द इलेक्शंस ऑफ द? भारत के चुनाव आयोग का निम्न में से किस चुनाव से कोई संबंध नहीं है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज इन द स्टेट, और डी ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज इन द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के द्वारा ऑप्शन ए द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेजिडेंट, अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति का अधिकार, बी एडवाइसरी जुडिशरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार, सी स्पेशल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर के विशेष अधिकार, डी इलेक्शन कमीशन टू होल्ड द फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री, निर्वाचन आयोग के पूरे देश में स्वतंत्र और स्पष्ट रूप से चुनाव कराने का अधिकार। आर्टिकल 123 के द्वारा जो होता है वो ऑप्शन ए राइट, अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति का अधिकार यानी द ऑर्डर ऑफ मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द राज्यसभा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के बारे में गलत है? ऑप्शन ए द राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ 12 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, राज्यसभा के 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित किए जाते हैं, बी 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड एवरी सेकेंड ईयर, इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सी द राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, राज्यसभा विघटन के अधीन नहीं है, डी द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिसिको चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अधिकारी होते हैं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए द राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ 12 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये गलत है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नहीं प्रेसिडेंट के द्वारा इसमें 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन विच इज कॉल्ड पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ? संघ का ऐसा कानून जिसे संसद कहते हैं उसमें ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा,
सी राज्य सभा एंड लोक सभा, डी प्रेसिडेंट राज्य सभा एंड लोक सभा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, जिसमें प्रेसिडेंट राज्य सभा और लोक सभा तीनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग द 163 कंट्रीज ऑन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2018 बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। वैश्विक शांति सूचक अंक में 2018 पर 163 देशों के बीच भारत का स्थान क्या रहा है, जो आर्थिक एवं शांति की संस्था द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन ए 136, बी 117, सी 121, डी 148। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 136। और मैं याद दिलाना चाहूँगा हमारा अगला वीडियो इसी पर होगा, जो इम्पोर्टेंस जो इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट रेलवे स्टेशन इनसाइड टनल नेम केलोंग टू कम अप इन विच स्टेट। सुरंग के अंदर भारत का पहला रेलवे स्टेशन जिसका नाम केलांग है किस राज्य में बनने जा रहा है। ऑप्शन ए नागालैंड, बी मेघालय, सी हिमाचल प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा मिला था 25 जनवरी 1971 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक बैरी फंसर टू द बिग क्वेश्चंस दैट वाज रिलीज्ड ऑन 18 अक्टूबर 2018। 18 अक्टूबर 2018 को जारी किए गए बैरी फंसर टू द बिग क्वेश्चन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन ए स्टेपन हॉकिंग, बी पॉल फ्रीमैन, सी कॉटनरी हबर, डी सुसेन फाइलिस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए स्टेपन हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड नाटोज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ट्रिडेंट जंक्शन 2018 मिलिट्री एक्सरसाइज बिगन ऑन 25 अक्टूबर 2018। किस जगह नाटो के 2018 सैन्य अभ्यास 25 अक्टूबर 2018 को शुरू हुआ है। ऑप्शन ए रशिया, बी नीदरलैंड, सी नॉर्वे और डी चाइना। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी नॉर्वे। नाटो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 4 अप्रैल 1949 को और नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओलंपिक 2024 गोइंग टू हेल्ड इन ओलंपिक 2024 किस स्थान पर आयोजित होंगे। ऑप्शन ए रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, बी पेरिस फ्रांस, सी टोक्यो जापान और डी एंजेलिस कैलिफोर्निया यूएस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी पेरिस फ्रांस। जो 2020 के ओलंपिक अभी आने वाले होंगे वो होंगे टोक्यो जापान में और जो प्रीवियस ओलंपिक 2016 के हुए थे वो हुए थे रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में और जो 2024 के ओलंपिक होंगे वो होंगे फ्रांस पेरिस में और जो 2028 के ओलंपिक होंगे वो होंगे लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फ्लैग बैरियर ऑफ इंडिया फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी एट द 2018 एशियन गेम्स इन जकार्ता एंड पलमबैग इंडोनेशिया। जकार्ता और पलमबैग इंडोनेशिया के 2018 एशियाई खेलों में अंतिम समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था। ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी रानी रामपाल, सी हिमा दास, डी राई सरनोबत। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी रानी रामपाल। रानी रामपाल हमारी इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन हैं और जो इसके स्टार्टिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बेरर थे इंडिया के वो थे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध है जेवलिन थ्रो से यानी भाला फेंक और हिमा दास और राई सरनोबत का संबंध है एथलीट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेविस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। डेविस कप का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए गोल्फ, बी टेबल टेनिस, सी लॉन टेनिस, डी बैडमिंटन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी लॉन टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज पुष्कर फेयर हेल्ड। पुष्कर मेला किस जगह पर लगता है। ऑप्शन ए जोधपुर, बी अजमेर, सी उदयपुर, डी जयपुर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज अ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है एक। ऑप्शन ए ऑटोनॉमस पब्लिक बॉडी, बी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, डी नन ऑफ दिस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए ऑटोनॉमस पब्लिक बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की संपादक समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी बी आर अम्बेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 30 ईयर्स, बी 18 ईयर्स, सी 25 ईयर्स, डी 35 ईयर्स। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी कनाडा, डी जर्मनी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ इंडिया, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, सी चिनाब, डी कावेरी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए 47A, बी NH5, सी NH7, डी NH11। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर इज NH7, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स अगर इसमें NH7 की जगह NH44 होता तो वो सही आंसर होता, इसमें NH7 और NH44 को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया, भारत का पहला परमाणु स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन ए नरोरा पावर स्टेशन, बी मद्रास पावर स्टेशन, सी तारापुर पावर स्टेशन, डी राजस्थान पावर स्टेशन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी तारापुर पावर स्टेशन। ये बनना स्टार्ट हुआ था 1962 में और बनकर तैयार हो गया था 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द फेमस श्री रंगनाथन स्वामी टेम्पल लोकेटेड, प्रसिद्ध श्री रंगनाथन स्वामी मंदिर किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए केरला, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एडप्पडी के पलनीस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्टिस रंजन गोगोई हु अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही इज़ विच नंबर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस रंजन गोगोई जो भारत के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो भारत के कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं? ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 46, सी 45, डी 48। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी 46। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट वुमेन IAS ऑफिसर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत की पहली महिला IAS अधिकारी कौन थी? ऑप्शन ए अन्ना राजम मल्होत्रा, बी अन्ना राजम सेन, सी अन्ना राजम दास, डी अन्ना राजम डे। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए अन्ना राजम मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट्स, किस देश को वज्रपात की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए नॉर्वे, बी स्विट्जरलैंड, सी जापान, डी भूटान। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी भूटान। नॉर्वे को जाना जाता है द लैंड ऑफ मिडनाइट सन यानी मध्यरात्रि सूर्य का देश, स्विट्जरलैंड को जाना जाता है द प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप यानी यूरोप का खेल का मैदान, जापान को जाना जाता है द लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी उगते सूर्य का देश, और भूटान को जाना जाता है द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट्स यानी वज्रपात की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्वेज कैनाल कनेक्ट्स, स्वेज नहर जोड़ती है ऑप्शन ए मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, भूमध्य सागर और लाल समुद्र, बी बाल्टिक एंड कैस्पियन सी, बाल्टिक और कैस्पियन सागर, सी मेडिटेरियन सी एंड नॉर्थ सी, भूमध्य और उत्तरी समुद्र, डी रेड सी एंड कैस्पियन सी, भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, भूमध्य सागर और लाल समुद्र। स्वेज कैनाल का जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1859 में और कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुआ था 1869 में, और स्वेज कैनाल का जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो हुआ था 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज हॉनर्ड विद रेमनी फाउंडेशन आउटस्टैंडिंग पर्सन अवार्ड, निम्न में से कौन रेमनी फाउंडेशन के उत्कृष्ट व्यक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए राहुल द्रविड़, बी सचिन तेंदुलकर, सी अभिनव बिंद्रा, डी फुलेला गोपीचंद। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी फुलेला गोपीचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चेयरमैन ऑफ बिम्स्टेक वॉज हैंडेड ओवर टू विच कंट्री, बिम्स्टेक की अध्यक्षता को किस देश को सौंप दिया गया है? ऑप्शन ए भूटान, बी श्रीलंका, सी थाईलैंड, डी इंडिया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ BSNL फॉर 2 ईयर्स, 2 वर्ष के लिए BSNL द्वारा किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए स्वप्ना बर्मन, बी मिताली राज, सी मैरी कॉम, डी राई सरनोबत। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी
Mary Kom. Next question. Adultery is no longer a crime as Supreme Court scraps which section of the IPC? गैर से संबंध जो अब कोई अपराध नहीं है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी के अनुभाग को खारिज कर दिया था, वह कौन से सेक्शन में है? ऑप्शन ए सेक्शन 378, बी सेक्शन 377, सी सेक्शन 478, डी सेक्शन 497. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी सेक्शन 497. शुरू करते हैं पार्ट सी को, जिसमें होगा जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन होंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट? निम्न गैसों के समूह में से कौन सा पौधागत प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए कार्बन टेट्राफ्लोराइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सी एमोनिया एंड ओजोन, डी कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिथेन. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिथेन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ऑफ द सेल अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड? एकाग्रता ढाल के खिलाफ सेल की आवाजाही क्या है? ऑप्शन ए ऑस्मोसिस, बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सी डिफ्यूजन, डी पैसिव ट्रांसपोर्ट. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट सिंथेसाइजेस प्रोटीन फ्रॉम? पौधे प्रोटीन संश्लेषण करते हैं. ऑप्शन ए स्टार्च, बी शुगर, सी फैटी एसिड, डी अमीनो एसिड. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी अमीनो एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन ब्लड इज विस्कस फ्लूइड ड्यू टू? मानव खून में शैल तरल पदार्थ पाए जाने का कारण? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स इन प्लाज्मा, बी प्रोटीन इन ब्लड, सी आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी इन ब्लड, डी नन ऑफ दीज. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी प्रोटीन इन ब्लड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्किन डिजीज? निम्न में से कौन सा त्वचा रोग है? ऑप्शन ए रिगेटस, बी ऑस्टियोमलेशिया, सी एनीमिया, डी पेलेग्रा. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी पेलेग्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपाउंड यूज इन एंटी मलेरियल ड्रग इज? मलेरिया रोधी दवा में इस्तेमाल किया गया यौगिक है. ऑप्शन ए क्लोरोक्विन, बी एस्पिरिन, सी न्योफ्रिन, डी आइसोप्रिन. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए क्लोरोक्विन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन? सेल डिवीजन की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है. ऑप्शन ए मिटोसिस, बी हिटोसिस, सी फ्यूजन, डी फिजन. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए मिटोसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द डेंटल क्राइसिस? निम्न में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? ऑप्शन ए आयरन, बी फ्लोरिन, सी कॉपर, डी जिंक. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी फ्लोरीन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बीज इज नोन एज? मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंध को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए सेरिकल्चर, बी एपिकल्चर, सी सिल्वीकल्चर, डी पीसीकल्चर. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी एपिकल्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोलम टिश्यू इज फाउंड इन? फोलम उत्कर्ष पाया जाता है. ऑप्शन ए प्लांट, बी इंसेक्ट, सी मैमल्स, डी ऑल ऑफ द अबव. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए प्लांट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट अबंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इज? वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में घटक है. ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन, डी नाइट्रोजन. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी नाइट्रोजन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टडी ऑफ हार्ट? दिल या हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इकोलॉजी, बी डर्मेटोलॉजी, सी कार्डियोलॉजी, डी डेमोग्राफी. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी कार्डियोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो? आम का वैज्ञानिक नेम क्या है? ऑप्शन ए बॉस इंडिकस, बी मैग्निफेरा इंडिका, सी म्यूका डोमेस्टिका, डी ओरियाजा सतीवा. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी मैग्नीफेरा इंडिका. नेक्स्ट क्वेश्चन आरएनए इज? ऑप्शन ए राइबोन्यूक्लियस एल्कलाइन, ऑप्शन बी राइबोन्यूक्लियस एलम, सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डी राइबोन्यूक्लियस एसिड. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट? निम्न में से कौन सा एक एबायोटिक घटक नहीं है? ऑप्शन ए
consumer, B producer, C composer, D decomposer. The right answer of this question is option C, composers. Next question is, influenza is caused by influenza kis karan se hota hai? Option A, fungus, B, bacteria, C, virus, D, algae. The right answer of this question is option C, virus. Next question is, which instrument is used to measure the altitude in aircrafts? Kaun sa upkaran viman ki unchai ko napne ke liye istemal kiya jata hai? Option A, audiometer, B, anemometer, C, altimeter, D, anemometer. The right answer of the question is option C, altimeter. Next question is, Alfred Nobel invented. Alfred Nobel ka avishkar hai. Option A, X-ray, B, diesel engine, C, dynamite, D, dynamo. The right answer of this question is option C, dynamite. Next question is, what is unit of viscosity? Option A, coulomb, B, newton second per square meter, C, watt per meter per degree, D, joule per kilogram per kelvin. The right answer of this question is option B, newton second per square meter. Next question, electric motor converts electrical energy into mechanical energy, mechanical energy into electrical energy into light energy, none of the above. The right answer of this question is option A, electrical energy into mechanical energy. Next question is, if lift is going up with the acceleration, the apparent weight of the body is? Yadi lift tezi se badh rahi hai, toh sharir ka spasht vajan kya hoga? Option A, may be more or less than true weight. Option B, equal to true weight. Option C, less than true weight. Option D, more than the true weight. The right answer of this question is option D, more than the true weight. Next question is, longitudinal waves and transverse waves are type of? Option A, mechanical waves, B, non-mechanical waves, C, both of above, D, none of the above. The right answer of this question is option A, mechanical waves. Next question is, sound of frequency more than 20,000 Hz is known as? Option A, audible waves, B, infrasonic waves, C, ultrasonic waves, D, none of these. The right answer of this question is option C, ultrasonic waves. Human being ki jo sunne ki range hoti hai wo hoti hai 20 Hz se 20,000 Hz tak. 20 Hz se niche ki jo sound hoti hai usse kehte hain infrasonic waves aur 20,000 Hz ki upar ki jo sound hoti hai usse kehte hain ultrasonic waves aur jo iske beech ki jo range hoti hai 20 Hz se leke 20,000 Hz tak usse kehte hain audible waves jise insaan sun sakta hai. Next question is, which among the following is a fundamental quantity? Option A, volume, B, time, C, velocity, D, force. The right answer of this question is option B, time. Next question is, a boat will submerge when it displays water equal to its own? Option A, volume, B, weight, C, surface area, D, density. The right answer of this question is option A, volume. Next question is, at which temperature Celsius and Fahrenheit are equal? Option A, -273, B, -40, C, 100, D, -4. The right answer of this question is option B, -40°. Next question is, what principal laws explain the working of the hydraulic brake in automobiles? Option A, Bernoulli's law, B, Poiseuille's principle, C, Pascal's law, D, Archimedes principle. The right answer of this question is option C, Pascal's law. Next question is, the shape of our Milky Way galaxy is? Option A, circular, B, elliptical, C, spiral, D, none of these. The right answer of this question is option C, spiral. Next question is, when heated from 0° Celsius to 10° Celsius, the volume of the given mass of water will? Option A, increase, B, decrease, C, increase and then will decrease, D, decrease and then will increase. The right answer of this question is option D, decrease and then will increase. Next question is, clear nights are colder than cloudy nights because of? Option A, conduction, B, condensation, C, radiation, D, insulation. The right answer of this question is option C, radiation. Next question,
The sky appears blue because of option A, atmospheric water vapor, B, scattering of light, C, reflection of seawater, D, emission of blue wavelength by the sun. The right answer of this question is option B, scattering of light. Next question. Tungsten is used for the manufacture of the filament of an electric bulb because of option A, it is a good conductor, B, it is economical, C, it is malleable, D, it has very high melting point. The right answer of this question is option D, it has very high melting point. Next question. Which of the following are the process of the transfer of heat? Option A, conduction, B, convection, C, radiation, D, all of the above. The right answer of this question is option D, all of the above. Next question is, which of the following is the chemical name of baking soda? Option A, sodium bicarbonate, B, sodium carbonate, C, potassium bicarbonate, D, potassium carbonate. The right answer of this question is option A, sodium bicarbonate or sodium hydrogen carbonate. Next question is, which of the following is a case of acid rain? Option A, ozone, B, ammonia, C, sulfur dioxide, D, carbon monoxide. The right answer of this question is option C, sulfur dioxide. Next question is, which of the following is not correctly matched? निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन स्किन, बी विटामिन सी स्कर्वी, सी कार्बोहाइड्रेट्स पोटैटो, डी फैट एंड बटर. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन एंड स्किन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हैज द रोल इन ब्लड कोटिंग. ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन ई, डी विटामिन के. The right answer of this question is option D, vitamin K. Next question is, which of the following is an iron ore? Bauxite, magnetite, lignite, nitrite. The right answer of this question is option B, magnetite. Next question is, which gas is used in fire extinguisher? Option A, carbon dioxide, B, nitrogen oxide, C, carbon monoxide, D, sulfur dioxide. The right answer of this question is option A, carbon dioxide. Next question is, nail polish remover contains option A, benzene, B, acetic acid, C, acetone, D, petroleum ether. The right answer of this question is option C, acetone. Next question is, due to rusting the weight of iron is option A, decrease, B, increase, C, remains the same, D, uncertain. The right answer of this question is option B, increase. Next question is, what is extracted from bauxite? Option A, iron, B, aluminium, C, copper, D, tin. The right answer of this question is option B, aluminium. Next question is, permanent hardness of water is due to the presence of option A, magnesium bicarbonate, B, calcium bicarbonate, C, sodium bicarbonate, D, calcium sulfate. The right answer of this question is option A, magnesium bicarbonate. Next question is, how is heat of sun reaches on earth? Option A, radiation, B, conduction, C, convection, D, UV light. The right answer of this question is option A, radiation. Next question is, the term PVC used in the plastic industry stands for option A, polyvinyl chloride, B, polyvinyl carbonate, C, phosphorus vinyl chloride, D, polyvinyl carbonate. The right answer of this question is option A, polyvinyl chloride. Next question is, which of the following phenomena cannot be observed on the surface of the moon? Option A, rising and setting of the sun, B, solar eclipse, C, motion of the comets, D, twinkling of stars. The right answer of this question is option B, solar eclipse. Next question is, among which of the following planets, which is the brightest planet? Option A, Mercury, B, Venus, C, Mars, D, Jupiter. The right answer of this question is option B, Venus. Next question is, which among the following first generation of the computer had? Option A, vacuum tube and magnetic drum, B, integrated circuits, C, magnetic tape and transistors, D, all of the above. The right answer of this question is option A, vacuum tubes and magnetic drums. Next question is, liquid drops and bubbles acquired spherical shape due to the phenomena of
तरल बूंदें और बुलबुले किस तथ्य के कारण गोलाकार आकार प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए कैपिलरी, बी सरफेस टेंशन, सी ग्रेविटेशनल इफेक्ट, डी नन ऑफ दिस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्लासेस और लेंस आर यूज टू करेक्ट द शॉर्ट साइटेड आई डिफेक्ट? ऑप्शन ए कॉन्केव लेंस, बी कॉन्वेक्स लेंस, सी बाइपोलर लेंस, डी बोथ ए एंड बी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए कॉन्केव लेंस। शुरू करते हैं हमारा पार्ट डी इंग्लिश। क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। शी वॉज रनिंग शॉर्ट डैश टाइम। आपको इस ब्लैंक में अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन फिल करना है। ऑप्शन ए एट, बी ऑफ, सी विद, डी फॉर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। हर डैश बॉ वॉज सीन इन द स्काई। ऑप्शन ए मल्टी कलर्ड, बी शूटिंग, सी स्टेरिंग, डी मेलोडियस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए मल्टी कलर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसर्ट अ करेक्ट पार्टिसिपल इन द ब्लैंक स्पेस। डैश बॉट डिनर, जॉन रन द होल वे होम। ऑप्शन ए हैविंग फिनिश्ड, बी एक्साइटेड, सी हैड बीन एक्साइटेड, डी हंगरी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी एक्साइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट पार्सल वर्ब। द टीचर विल डैश अ न्यू चैप्टर टुमारो। ऑप्शन ए टेक ओवर, बी टेक अप, सी टेक डाउन, डी टेक ऑफ। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी टेक अप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसर्ट अ करेक्ट एडवर्बियल फ्रेज इन द ब्लैंक स्पेस। ओनली डैश इज देयर अ रंबल इन द स्काई। ऑप्शन ए ओकेशनली, बी स्विफ्टली, सी क्वाइट, डी मेरिली। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए ओकेशनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द आइटम विच इज अंडरलाइन बिलो। वी डोंट रियली वॉन्ट द पर्टिकुलर होटल बट इट वॉज केस ऑफ ऑप्शन चॉइस। ऑप्शन ए स्टेट ऑफ डिलीमा, बी टेकिंग वट इज अवेलेबल और नथिंग एट ऑल, सी टीचर चॉइस, डी इकोनॉमिकल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी टेकिंग वट इज अवेलेबल और नथिंग एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु कंसिडर्स द हैप्पीनेस एंड वेल बींग ऑफ अदर फर्स्ट इज एन। ऑप्शन ए एथीस्ट, बी अल्कमिस्ट, सी अल्ट्रिस्ट, डी एसीथीस्ट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी अल्ट्रिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स। ऑप्शन ए सडन डिजास्टर, बी शूटिंग, सी स्टेरिंग, डी मेलोडियस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए सडन डिजास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट इन्फिनेटिव। डैश इज ह्यूमन। ऑप्शन ए टू लाफ, बी टू एयर, सी टू रीड, डी टू शेव। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी टू एयर, मतलब मनुष्य गलती का पुतला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु डील विद। ऑप्शन ए हर्ट, बी आइज, सी ग्लैंड्स, डी लंग्स। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। शी हैड बेटर डैश द रूम। ऑप्शन ए एंटर्ड, बी रिक्वेस्टेड, सी मूव्ड, डी कॉल्ड। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए एंटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट वर्ड। शी लाइक द डैश प्लान बेटर। ऑप्शन ए लेटर, बी लेटर, सी फास्ट, डी अर्ली। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम अंडरलाइन बिलो। ही स्टूड इन हॉट वाटर। ए इन ट्रबल और डिसग्रेस, बी मेट विथ एन एक्सीडेंट, सी स्टेप्ड इनटू द बॉइलिंग वाटर, डी वाज एंग्री। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए इन ट्रबल और डिसग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। क्लासिक डैश। ऑप्शन ए ऑफ द फर्स्ट और हाईएस्ट क्वालिटी, बी अ लॉन्ग लिस्ट, सी लूज और फ्लोइंग रोब, डी सेंसिटिफाइड। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए ऑफ द फर्स्ट एंड हाईएस्ट क्वालिटी।
Next question is, fill in the blank with the appropriate past verb. The girl dash her mother. Option A, take after. B, call in. C, put off. D, put by. The right answer of this question is option A, takes after. Next question is, an ornithologist deals with option A, insect. B, birds. C, eyes. D, hurt. The right answer of this question is option B, birds. Next question is, an indefatigable person remains option A, untired. B, unhappy. C, unrelentful. D, unsocial. The right answer of this question is option A, untired. Next question is, insert the proper preposition in the sentence. It is 9 o'clock, dash my watch. Option A, by. B, in. C, at. D, into. The right answer of this question is option A, by. It is 9 o'clock, by my watch. Next question is, regret may be expressed by the following interjection. Option A, alas. B, hush. C, bravo. D, hooray. The right answer of this question is option A, alas. Next question is, fill in the blank with the correct word. Dash is humiliation. He attended the function. Option A, in spite. B, notwithstanding. C, nevertheless. D, as of. The right answer of this question is option B, notwithstanding. Next question is, choose the word opposite in meaning to the word underlined below. Mary's patience and serenity won the admiration of all who saw her. Option A, holiness. B, placidity. C, agitation. D, equanimity. The right answer of this question is option C, agitation. Next question is, marble may be used with option A, painting. B, music. C, sculpture and rocks. D, drawing. The right answer of this question is option C, sculpture or rocks. Next question is, insert the proper prepositions in the sentence. He has a preference dash tea dash coffee over for to for over or to or over. The right answer of this question is option B, for to. He has preference for tea to coffee. Next question is, call up means option A, recollect. B, anticipate. C, befriend. D, invite. The right answer of this question is option A, recollect. Next question is, use a suitable auxiliary verb to fill the blank space. In all the probability, it dash rain tonight. Option A, will. B, can. C, may. D, ought. The right answer of this question is option C, may. Friends, अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. साथ ही अगर आप हमें व्हाट्सएप पर हमारे स्टडी ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको जुड़ने का तरीका बता दूँगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड ग्लोरी. आपको ग्लोरी का अपोजिट वर्ड बताना है. ऑप्शंस आर ऑप्शन ए, स्प्लेंडर. बी, फेम. सी, रेपुटेशन. डी, डिबेसमेंट. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, डिबेसमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड ब्यूटीफुल. ऑप्शन ए, वंडरफुल. बी, ग्रेसफुल. सी, उगली. डी, मार्वेलस. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, उगली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड एबडन. आपको एबडन का समानार्थी शब्द इनमें से बताना है. ऑप्शन ए, फॉरसेक. बी, कीप. सी, चेरिश. डी, इनलार्ज. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, फॉरसेक. एबडन का मतलब होता है माफ़ कर देना और फॉरसेक का मतलब भी होता है माफ़ कर देना या छोड़ देना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिलेक्टेबल. ऑप्शन ए, नोबल. बी, इंजॉयबल. सी, डिलीशियस. डी, सम्प्टस. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, डिलीशियस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एरर डिटेक्शन. आपको इनमें से एरर फाइंड आउट करना है. राम वॉज
senior to Sam in college? Option A, Ram was. B, senior to. C, Sam in college. ये फिर ऑप्शन डी, नो एरर। तो इस सेंटेंस में जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेंटेंस। द डैश ऑफ द स्टेट इज इफिशियंट। ऑप्शन ए, एडमिनिस्ट्रेशन। बी, डेमोक्रेसी। सी, ऑटोक्रेसी। या फिर डी, पॉलिसी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वाइज पर्सन इज अ वन हु लर्न्स फ्रॉम हिज डैश। ऑप्शन ए, एरर। बी, मिस्टेक। सी, लाइज। या फिर डी, बैड मैनर्स। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, मिस्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द करेक्ट स्पेल ऑफ द वर्ड सेटेलाइट। सभी चार ऑप्शन एक जैसे हैं लेकिन इनमें से हमें सही स्पेलिंग ढूंढनी है। तो सेटेलाइट की जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है SATELLITE, यानी ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आपको ये जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस इज आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। ऑप्शन ए, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज वर्किंग सो हार्ड। बी, आई आस्क्ड हिम व्हाई वॉज ही वर्किंग सो हार्ड। सी, आई आस्क्ड हिम व्हाई हैड ही बीन वर्किंग सो हार्ड। डी, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड बीन वर्किंग सो हार्ड। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज वर्किंग सो हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज द वॉइस। दे ड्रू अ सर्कल इन द मॉर्निंग। ऑप्शन ए, अ सर्कल वॉज बीन ड्रॉन बाय दैम इन द मॉर्निंग। बी, अ सर्कल वॉज ड्रॉन बाय दैम इन द मॉर्निंग। सी, इन द मॉर्निंग अ सर्कल हैड बीन ड्रॉन बाय दैम। डी, अ सर्कल हैड बीन ड्रॉइंग सिंस मॉर्निंग। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, अ सर्कल वॉज ड्रॉन बाय दैम इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ऑप्शन ए, थीस्ट। बी, हेरिटिक। सी, अल्टीस्ट। या फिर डी, फैनेटिक। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, अथीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द सेंटेंस इन अ करेक्ट ऑर्डर। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को एग्जाम में मिलते हैं। सेंटेंस इज इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश डैट। पी, आइंस्टाइन वॉज। क्यू, ऑल्टॉट अ ग्रेट साइंटिस्ट। आर, वीक इन अर्थमेटिक। एस, राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज। सो आपको इनके अरेंज करके एक राइट जो सीक्वेंस सेंटेंस वे एक बनाना है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, क्यू पी आर एस, यानी इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश डैट ऑल्टॉट अ ग्रेट साइंटिस्ट। आइंस्टाइन वॉज वीक इन अर्थमेटिक। राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु नोज मैनी फॉरेन लैंग्वेज इज। ऑप्शन ए, लिंग्विस्ट। बी, ग्रामेरियन। सी, पॉलीग्लॉट। या फिर डी, बायलिंगुअल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, लिंग्विस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द पेयर विच हैज़ द सेम रिलेशनशिप आफ्टर बिफोर। ऑप्शन ए, फर्स्ट। सेकेंड। बी, प्रेजेंट पास्ट। सी, कॉन्टेम्प्ररी हिस्टोरिक। या फिर डी, सक्सेसर प्रीडिसेसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन डिपेंड्स डैश हार्ड वर्क अलोन। ऑप्शन ए, एट। बी, ओवर। सी, फॉर। डी, ऑन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कार इन विच द मिनिस्टर वॉज ट्रेवलिंग डैश विद एन एक्सीडेंट। ऑप्शन ए, हिट। बी, ड्रोव। सी, क्रैश्ड। या फिर डी, मैट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, मैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू क्राई वुल्फ। ऑप्शन ए, टू लिसन ईगरली। बी, टू गिव फॉल्स अलार्म। सी, टू टर्न पेल। या फिर डी, टू कीप ऑफ स्टारवेशन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, टू गिव फॉल्स अलार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज द स्पीच। इफ यू डोंट कीप क्वाइट आई शैल शूट यू। ही सेड टू हर इन अ कॉल्म वॉइस। ऑप्शन ए, ही वॉन्ट हर टू शूट इफ शी डजेंट कीप क्वाइट। बी, ही सेड कॉल्मली
that I shall shoot you if she doesn't keep quiet. See, he warned her calmly that he would shoot her if she doesn't keep quiet. D. Calmly he warned her that B keep quiet or else he will have to shoot her. The right answer of this question is option C. Next question is, she dash TV when her husband come. Option A, watch. B, was watching. C, is watching. D, watched. The right answer of this question is option B, was watching. Next question is, bolt from the blue. Option A, thundering. B, a complete surprise. C, inform something bad. D, no idea. The right answer of this question is option B, a complete surprise. Next question is, bird, fly, snake, dash. Option A, hole. B, crawl. C, scroll. D, clatter. The right answer of this question is option B, crawl. Next question is, I dash tennis every Sunday morning. Option A, playing. B, play. C, am playing. D, am play. The right answer of this question is option B, play. Next question is, Jane, what dash in the evenings? Mary, usually I watch TV or read a books. Option A, you are doing. B, you do. C, do you do. Yeah, D, are you doing. The right answer of this question is are you doing. Next question is, I cannot put dash with this ill-mannered person anymore. Option A, aside. B, up. C, on. D, in. The right answer of this question is option B, up. Last question is, dash wisdom come with age. Option A, the. B, a. C, an. D, no article. The right answer of this question is option D, no article. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का ये कंप्लीट वीडियो. आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा. हो सकता है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो थोड़ा सा लंबा लगा हो, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा. और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.